जरा सोचिए, आप एक विशालकाय रेगिस्तान के बीचों बीच आसमान से 16,000 फीट की ऊंचाई से कूद रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक आपके पैराशूट की छतरी फट जाती है। आप तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। आपके आसपास सिर्फ रेत का विशाल समुद्र है, कोई बचाने वाला नहीं। और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ आप जमीन पर गिरते हैं। आपकी पीठ की 3 हड्डियां टूट चुकी हैं। डॉक्टर कहते हैं आप शायद अब कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। और इस हादसे के शिकार हुए थे बेयर ग्रिल्स। बेयर ग्रिल्स का जन्म हुआ 7 जून 1974 को लंदन में। उनका असली नाम है एडवर्ड माइकल ग्रिल्स, लेकिन जब वो सिर्फ 1 हफ्ते के थे, उनकी बहन लारा ने उन्हें प्यार से बेयर नाम दिया। अब शायद उनकी बहन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये बच्चा बड़ा होकर जंगलों और पहाड़ों में भालू की तरह जिंदा रहेगा। लेकिन बचपन आसान नहीं था। स्कूल में कुछ लड़के उन्हें हमेशा परेशान किया करते थे, और आप जानते हैं स्कूल में जब बुली होते हैं तो वो आपको इस कदर तंग करते हैं कि या तो आप डरकर छिप जाते हैं या फिर आप बेयर ग्रिल्स बन जाते हैं। बेयर ने छिपने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपने बुली करने वालों को सबक सिखाने के लिए कराटे सीखना शुरू किया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया। अब वो लड़के जो कभी उन्हें डराया करते थे, शायद सोच भी नहीं सकते थे कि जिस लड़के को वो परेशान करते थे, वो एक दिन पूरी दुनिया के सामने अपने साहस की मिसाल बनेगा। स्कूल के बाद बेयर ग्रिल्स ने फैसला किया कि अब सिर्फ स्कूल के लड़कों को नहीं बल्कि खुद को और भी मजबूत बनाना है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने का फैसला किया। 1994 से 1997 तक उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के रिजर्व फोर्स में सेवा की। यहां उन्हें विशेष ऑपरेशनों, रेगिस्तान और बर्फीले युद्धों, हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी गई। और यहीं से बेयर ग्रिल्स का वो सफर शुरू हुआ जो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाइवल एक्सपर्ट बना देगा। लेकिन एक मिशन के दौरान अफ्रीका में बेयर ग्रिल्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्हें और उनके साथियों को एक गुप्त मिशन के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूटिंग करनी थी। पहली बार सब कुछ सही रहा, लेकिन दूसरी बार उनके पैराशूट की छतरी फट गई और वो बेकाबू होकर जमीन की ओर गिरने लगे। आप सोचिए वो पल कितना डरावना होगा। हवा में बेकाबू होकर गिरते हुए नीचे सिर्फ कठोर रेगिस्तान की जमीन और कोई रास्ता नहीं बचने का। बेयर ग्रिल्स जमीन से टकराए और उनकी पीठ की 3 हड्डियां टूट गईं। डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि वो अब शायद कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन बेयर ग्रिल्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। अस्पताल के बिस्तर पर 18 महीने गुजारने के बाद भी उनके मन में एक सपना जीवित था, माउंट एवरेस्ट को फतह करना। सोचिए, एक इंसान जिसकी पीठ की हड्डियां टूटी हुई थीं, डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो अब चल भी नहीं सकेगा, लेकिन बेयर ग्रिल्स के लिए ये बातें सिर्फ शब्द थे। 18 महीने बाद वो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निकल पड़े, और सिर्फ चढ़े ही नहीं बल्कि 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे युवा ब्रिटिश व्यक्ति बने। ये साबित कर दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जब उसके पास अटूट हौसला और विश्वास हो। बेयर ग्रिल्स की जिंदगी का ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनके इस अद्भुत साहस और सर्वाइवल स्किल्स ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। 2006 में आया उनका पहला टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इस शो के जरिए बेयर ग्रिल्स ने दुनिया को दिखाया कि आप चाहे जंगलों में खो जाएं, बर्फीली पहाड़ियों पर हों या रेगिस्तान में फंस जाएं, अगर आप में सर्वाइवल की कला है तो आप किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। बेयर ग्रिल्स का जीवन सिर्फ एवरेस्ट की चढ़ाई और टीवी शो तक सीमित नहीं था। वो कई बार मौत को चुनौती दे चुके हैं और हर बार जीत कर निकले हैं। एक बार वियतनाम के जंगलों में उन्होंने एक तेज बांस से अपनी उंगली काट ली थी। दूसरी बार कनाडा के रॉकीज में भारी कैमरा उपकरण और स्लीज उनके पैर पर गिर पड़ा। और ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने एक मगरमच्छ से लड़ाई की और आखिरकार उसे मार गिराया। आप सोचते होंगे कि बेयर ग्रिल्स का रोमांच बस जंगलों तक सीमित है, लेकिन नहीं। 2005 में बेयर ग्रिल्स और उनके साथी एलन व्हील ने दुनिया की सबसे ऊंची डिनर पार्टी की, वो भी 25,000 फीट की ऊंचाई पर एक गर्म हवा के गुब्बारे में। इस पार्टी में उन्होंने 3 कोर्स का खाना खाया, एस्पैरेगस, डक और फ्रूट टेरीन, और वो भी -49 डिग्री फ़ारेनहाइट की कड़क ठंड में। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने आकाश से सीधे स्काई डाइविंग की। बेयर ग्रिल्स
न सिर्फ एक सर्वाइवल एक्सपर्ट हैं, बल्कि एक इंस्पायरिंग व्यक्तित्व भी हैं। उन्होंने कई गैर लाभकारी संगठनों को दान दिया है और 35 साल की उम्र में उन्हें चीफ स्काउट भी नियुक्त किया गया। बेयर ग्रिल्स की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपके पास साहस, हिम्मत और अटूट विश्वास है, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। बेयर ग्रिल्स की जिंदगी की ये कहानी हमें यही बताती है कि असंभव कुछ भी नहीं।